बेरोजगारों के लिए बड़ी अपडेट है। आपको बता दें, गेस्ट फैकल्टी शिक्षक के रूप में कार्य करने का एक अवसर आपको मिलने वाला है। आपको बता दें, कॉलेज शिक्षा के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी टीचर्स के रूप में वैकेंसी आपके लिए जल्द ही आने वाली है। इसके लिए आयुक्तालय की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अब बात क्या है, किस प्रकार से इसमें आपका चयन होगा, कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए और वैकेंसी कहाँ निकलेंगी, इसके लिए मैं आपको बताने वाले हैं कि सबसे पहले कि जो सत्र 2019-20-21 के अंतर्गत जो भी कॉलेज नए खुले, उनमें यदि 60% से ज़्यादा सब्जेक्ट टीचर्स के यदि पद खाली हैं, तो उनके द्वारा अपने स्तर पर गेस्ट फैकल्टी टीचर्स की भर्ती की जा सकती है। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, पहली शर्त कि उस कॉलेज में 60% से ज़्यादा सब्जेक्ट टीचर्स के पद खाली होने चाहिए। अगली बात कि ये पद भरे कैसे जाएंगे, उस कॉलेज का जो नोडल कॉलेज होगा, वो नोडल कॉलेज एक विज्ञप्ति जारी करेगा और उस विज्ञप्ति के तहत जो भी कैंडिडेट आएंगे, एक उस नोडल कॉलेज का जो पैनल होगा वो इनकी भर्ती करेगा। नोडल कॉलेज का जो पैनल होगा भर्ती करने वाला, उस पैनल को आयुक्तालय से अनुमोदन करवाना जरूरी है। उस पैनल में जो भी सदस्य रखे जाएंगे, आयुक्तालय उनको अनुमोदित करेगा, इसके बाद ही वो इंटरव्यू के आधार पर अपनी कॉलेज में नियुक्ति दे सकेंगे। सबसे बड़ी बात इसके लिए आपको बता दें, ये नियुक्ति केवल एक ही शैक्षणिक सत्र के लिए और वो है 2021-22। इसमें नियुक्त होने वाला जो टीचर हो, किसी प्रकार का प्रशासनिक कार्य नहीं करेगा, केवल उसे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पीरियड है उन्हीं को पढ़ाना होगा। तो संबंधित जो पैनल होगा वो इसमें नियुक्ति देने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा, जिम्मेदार होगा, और जो भी पात्र होंगे उनको किस वरीयता के आधार पर दिया जाएगा ये आप देख सकते हैं। यदि ग्रेजुएट हैं आप और आपके 80% से ज़्यादा अंक हैं, तो आपको 21 अंक मिलेंगे। टोटल 100 अंक दिए जाएंगे इंटरव्यू में आपको। उसमें से किस प्रकार से डिवाइडेशन है, वो स्नातक में आपके 80%, 60%, 55% और 45% अंकों में विभक्त। इसी प्रकार आदि स्नातक में भी इसी प्रकार से डिवाइडेशन है, अलग अलग प्रकार से। एमफिल यदि आप हैं तो आपको 7 अंक अलग से दिए जाएंगे, पीएचडी के 25, जेआरएफ के साथ यदि नेट है तो 10 और अकेली नेट के 8 अंक हैं। यदि आपने कोई बुक प्रकाशित करवा रखी है तो उसके 6 अंक हैं। शिक्षण पोस्ट डॉक्टरल अनुभव यदि आपके पास है 1 साल का तो 10 अंक। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई पुरस्कार प्राप्त है तो उसके 3 अंक और राज्य स्तरीय पुरस्कार के 2 अंक। इस प्रकार से ये अंक विभाजित है। टोटल 100 अंक आपको दिए जाएंगे। सीनियर टीम में वरीयता में जो ऊपर आएगा उसको इसके आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी। ये शपथ पत्र होगा जो आपको भर करके देना होगा, कि जिसमें आप किसी भी प्रकार के स्थायी होने का दावा नहीं कर सकते। फिर भी यदि आप इसकी कंप्लीट जो पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। यदि लिंक से आप नहीं कर पा रहे हैं तो सीधा सर्च बॉक्स में टाइप करें ज्ञानधारा हरसोली, जो हमारे चैनल का नाम है, और इसके बाद में आप ऊपर जा करके अपने हमारे इस ज्ञानधारा हरसोली चैनल ग्रुप को ज्वाइन करके आपको वहाँ पर इस पीडीएफ को भी पा सकते हैं, जहाँ पर ये तमाम जो अपडेट हैं, जो रूल्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। फिर भी यदि कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी आपकी कमेंट होगी उसके आधार पर आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे। आज की इस वीडियो में साथी में इतना ही। नमस्कार।